मुरादाबाद शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए जाने के संबंध में न्यू जनता ऑटो एवं ई रिक्शा चालक ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों व ऑटो रिक्शा चालकों द्वारा कमिश्नर कार्यालय एवं जिलाधिकारी कार्यालय में एक ज्ञापन प्रेषित किया गया। न्यू जनता ऑटो एवं ई रिक्शा चालक ट्रेड यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष फरत अली ने बताया कि मुरादाबाद में यातायात को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सन 2012 से कई योजनाएं बनाई गईं, लेकिन मुरादाबाद में जाम की समस्या कम नहीं हुई और लगातार बढ़ती ही गई। पहले जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए कई जोनों में शहर को बांटा गया था, लेकिन फिर कुछ समय के बाद ऑटो रिक्शा के संचालन को 6 जोनों में बांट दिया गया। अब पार्कर रोड के मोड़ को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे ऑटो चालकों में भारी रोष व्याप्त है। ऑटो चालकों ने एकत्रित होकर कमिश्नर कार्यालय और जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि पार्कर मोड़ को बंद ना किया जाए। अगर यह बंद हो गया तो सैकड़ों ऑटो चालकों की जीवन शैली पर बुरा असर पड़ेगा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि ऑटो रिक्शा के संचालन को 4 जोनों में बांटने का विचार किया जाए, जिसमें पहले जोन भटावली से गुलाबबाड़ी तक का और दूसरा MDA ऑफिस पागवाड़ा से गुलाबबाड़ी तक, तीसरा ब्लॉक कार्यालय से रामपुर दोराहे तक और चौथा रामपुर दोराहे से RTO ऑफिस गागन चौक तक का, इन 4 जोनों को विचार विमर्श करके जल्दी लागू किया जाए। नाम फरत अली इदरीसी, मैं ऑटो ट्रेड यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और अभी 4-5 दिन पहले मीटिंग हुई थी SP ट्रैफिक साहब के ऑफिस में, जिसमें उन्होंने जोन बांटने की बात करी। अब से 3 साल पहले 10 जोन बांटे गए थे, 10 की जगह फिर 5 कर दिए गए, फिर 4 कर दिए गए, अब 3 जोन दे रहा है। 1700-1800 गाड़ियां हैं, वो किस रोड पर चलेंगी? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा पार्क और मोल बंद करने की व्यवस्था चल रही है प्रशासन की, जिसमें 300-400 गाड़ियां चलती हैं, और वो 300-400 गाड़ियां वाले सब ये बर्बाद खड़े हैं। इनकी गाड़ियां किस्तों पे हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जब पार्क और मोल बंद हो जाएगा तो ये गाड़ी वाले कहाँ जाएंगे? पत्रकारों से मेरी गुजारिश है कि इस बात को, इस आवाज़ को हमारे ऑटो वालों की उठाएं, और SDM साहब, DM साहब, कमिश्नर साहब को जो हम ज्ञापन सौंपे रहे हैं, इस बात को हमारे देखा जाए कि इतने सारे ऑटो वाले हमारे बर्बाद हो रहे हैं। मुख्य मार्ग यही है कि हमारा पार्कर मोड़ से तो गाड़ियां हमारी मुड़ रही हैं, और जो कचहरी को आने जाने की व्यवस्था बनाए हुए हैं वो पार्कर मोड़ खुला रहना चाहिए।